हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और जैसे कि हम कर रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से, और लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, वो है हमारा निर्देशन चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। और ये जो मेरे पास जो बुक है बेटा, वो है आरके सिंगला की, लेकिन इसके अंदर पेजेस कुछ फटे हुए हैं, तो इस वजह से अब मैं दूसरी बुक को यूज करूंगा बेटा आज, जिसमें हम ऑलरेडी एक और टॉपिक कर चुके थे, दैट इज निर्देशन का मीनिंग क्या है और उसका महत्व और उसके एलिमेंट कह लो या उसके फीचर्स कह लो, ठीक है, विशेषताएं, ठीक। तो ये टॉपिक हो चुका है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे बेटा क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और साथ में और भी अदर वीडियो आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी आज की इस वीडियो में जो हम करेंगे बेटा, वो हम करेंगे सुपरविजन, उसका कंसेप्ट क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो है जिसमें हम सिर्फ सुपरविजन के बारे में पढ़ेंगे, एक इम्पोर्टेंट बेटा जो एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आपको देनी है, वो हर वीडियो में आपको दे रहा हूँ। और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते चले जाएंगे हमारे, और उसके बाद साल का जब एंड हो जाएगा ऑलमोस्ट, जब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन रिवीजन होगा और आपके टेस्ट भी हुआ करेंगे, ठीक है। और साथ में बेटा मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और केस स्टडीज भी होगी, सारी चीजें होगी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हो कोई भी चीज, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों से बेटा शेयर करो। रीजन क्या है कि कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो बेटा दो साथ में होगा तो मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं आगे, अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर दें। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है हमारा सुपरविजन का, जिसके अंदर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक हमारा सुपरविजन का है, ठीक है। और सुपरवाइजर का मतलब क्या है, सुपरविजन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन हमारे सामने है, यह है पूनम गांधी बुक, ठीक है। उस बुक से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो आर के सिंगला की जो बुक थी उसमें पेज थोड़े फटे हुए थे, मतलब थे नहीं उसके अंदर, मिसिंग थे। अच्छा देखो, जब अगर हम बात करेंगे कि निर्देशन का जो चैप्टर है वो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, किन टॉपिकों से मिलकर बना है, तो बेटा यहाँ पे परिवेशन जो कि हम पढ़ेंगे, अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन, संप्रेषण मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन और नेतृत्व, ये चार टॉपिक मिलकर निर्देशन बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर परिवेशन हम सुपरविजन हम पढ़ेंगे, तो बेटा परिवेशन का मतलब क्या है, तो अभी मैं आपको अपनी तरफ से मीनिंग बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लिखा क्या है, ठीक है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। परिवेशन का अर्थ कर्मचारियों को सूचना देना, उनका मार्गदर्शन करना, निर्देशन करना और अवलोकन करना है, जब वे संगठन में कार्यों का निष्पादन कर रहे हो, मतलब वो काम कर रहे हो। परिवेशन शब्द परी और अवेक्षण दोनों शब्दों का मिश्रण है, जहां परी का अर्थ है पूर्णतः और अवेक्षण का मतलब है निरीक्षण या देखभाल करना, मतलब पूरी तरह से देखभाल करना या निरीक्षण करना या चेक करना। इसीलिए परिवेशन का अर्थ है कर्मचारी की क्रियाओं का पूर्णतः निरीक्षण करना, मतलब उसकी जांच पड़ताल करना। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस बुक के अंदर हमें थोड़ा बहुत, वन मिनट में थोड़ा वेट रख दूं जरा इसके ऊपर, ये पहले की बुक में यही बेटा बहुत दिक्कत थी, क्या करें, अब ठीक है थोड़ा बहुत, ठीक। तो सुपरविजन को अगर हम एक एग्जांपल से समझिए, तो आप ये मान के चलो, इमेजिन करना कि एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं, और उन सभी के ऊपर एक आदमी है जो वो कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन वो चारों तरफ घूम रहा है और वो चेक कर रहा है हर एक व्यक्ति को कि वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई चीज किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस आदमी को कहता है और वो आदमी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन उसको दे देता है। समझ मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, तो बेटा इस पूरे जो आपने जो दृश्य जो भी आपने इमेजिन किया उसको हम बोलते हैं सुपरविजन परिवेक्षण। इसमें जो वो आदमी था जो घूम रहा था लोगों को, लोगों के काम को जो निरीक्षण कर रहा था, चेक कर रहा था,
उसको बोलते हैं बेटा सुपरवाइजर। आगे बात समझ में। अब बात आ जाती है कि इसकी भूमिका क्या है। तो भूमिका मतलब वही कि वो लोगों को चेक करेगा कि उसके काम वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे लोग काम अपने, और दूसरी बात कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका वो सोल्यूशन भी दे सके। तो भूमिका भी एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, इसके अंदर लिखा क्या है। अगर आप चाहो तो एज इट इज ये भी लिख सकते हो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। पर्यवेक्षक संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, मतलब सुपरवाइजर जो है, जो आदमी है जो ये काम कर रहा है, वो संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वह मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका अदा करता है। मीडिएटर देखो, अध्यस्थ का मतलब क्या हो गया, मध्यस्थ का मतलब क्या हो गया कि वो बीच में है, मतलब जो अपर लेवल है सुपरवाइजर के और जो उसके लोअर लेवल है, मतलब कर्मचारियों को भी देख रहा है और अपने से ऊपर जो मैनेजर है उसको भी देख रहा है। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का एक जरिया बन चुका है हमारा मीडिएटर या मध्यस्थ जिसे हम कहेंगे, ठीक है। और वह अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया। पर्यवेक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है, क्योंकि वह कर्मचारियों की समस्या स्थिति से बाहर आने में सहायता करता है। तो गाइड का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी किसी प्रॉब्लम में है तो उसको बाहर निकालने का जो काम है वो एक पर्यवेक्षक करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक मार्गदर्शक है। आगे क्या लिखा है, पर्यवेक्षक प्रत्यक्ष रूप से अधीनस्थों के साथ संबंधित होता है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि पर्यवेक्षक जो उसके जो अंडर जो काम करते हैं लोग उनसे बातचीत करता है, तो अल्टीमेटली उसका एक रिलेशन बन जाता है उन सभी लोगों के साथ, जिसको हमने बोला है कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उनसे संबंधित है, उनसे जुड़ा हुआ है। और उच्च और मध्यस्थ या मध्य स्तरीय प्रबंध के दिशा निर्देशों के अनुसार उनसे कार्य करवाता है। तो जो मीडिएटर है, जो सुपरवाइजर है, वो पहला पॉइंट तो ये कि वो अपने उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उससे वो जुड़ा हुआ है। आप फिजिकली कह सकते हो, मेंटली कह सकते हो, इमोशनली कह सकते हो, उनसे जुड़ा हुआ है, वो उनको अच्छे से जानता है। अगर उसके अंडर 10 लोग काम करते हैं तो 10 लोगों के नाम भी अच्छे से जानता है, उनका बैकग्राउंड क्या है वो भी जानता है अच्छे से। तो इससे हेल्प क्या होती है संगठन को, कि अगर कोई मैनेजर या जनरल मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं तो वो सुपरवाइजर से बात करेंगे, और सुपरवाइजर का काम है कि उन सभी चीजों को लागू करवाना अपने से जो उसके ग्रुप में जो लोग हैं उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें हमें पर्यवेक्षक की भूमिका में देखने को मिलती है। आगे अगर हम बात करें तो एक लास्ट टॉपिक जो इसका बनता है वो ये बनता है बेटा कि पर्यवेक्षण का महत्व या पर्यवेक्षक के कार्य क्या है। अब यहाँ पे देखो कितना इजीली इन्होंने बता दिया कि जो महत्व है और जो कार्य है वो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर महत्व पूछे जाए तो भी आप ये लिख सकते हो, कार्य पूछे जाए तो भी आप यही लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पहला पॉइंट है, अब देखो लेकिन स्टार्ट करने से पहले अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आते तो केस स्टडी, आप क्या ये चैप्टर पढ़ा रहे हो। तो बेटा देखो, जब तक चैप्टर क्लियर नहीं होंगे तब तक आप केस स्टडी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के नाम पे मान के चलो कि आपको रामायण अच्छे से आती है, आपने देखी भी है टीवी पे, ठीक है। अब अगर उसकी कोई केस स्टडी अगर आपके सामने आ जाए तो आप आंसर आराम से दे दोगे। रीजन क्या है, क्योंकि आपको रामायण आती है। सेम ऐसे ही चैप्टर्स का, बिजनेस का, जब तो आपको चैप्टर नहीं आएगा तब तो आप उसकी केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटा चैप्टर आना बहुत जरूरी है, चैप्टर के एक एक पॉइंट आपको आने बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इसके महत्व क्या है, इसके इसके फीचर्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। जब आपको ये सब याद हो जाएगा तब आप केस स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, निर्देशों के निर्गमन को सुनिश्चित करता है, मतलब कि जो सुपरवाइजर के भी ऊपर जो लोग हैं वो जो निर्देश देते हैं सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर कंफर्म करता है कि भैया वो सारे निर्देश उन लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नियंत्रण में सुविधा, ठीक है। आप क्योंकि देखो जो पर्यवेक्षक है, जो सुपरवाइजर है, उसका काम ही यही है कि वो लोगों के ऊपर नजर रखे, उनके काम के ऊपर नजर रखे, उनके एक्शन के ऊपर नजर रखे कि क्या वो काम ढंग से कर रही है नहीं कर रही है, अगर उनको किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे में उसको सॉल्यूशन दे सके। तो इसको हम बोलते हैं कि वो कंट्रोल कर रहा है, देखा जाए तो एक तरह से।
तो जो सुपरविजन है वो एक तरह से आपको कंट्रोल करने का एक औजार कह लो आप उसे, या एक माध्यम कह लो आप उसे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो कर सकते हो बेटा। आगे की अगर हम बात करें तो बेटा आगे हमें जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा इसके अंदर संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। किसी पीटी सी लाइन है, कोई नई चीज नहीं है, आप इसको किसी भी चैप्टर के किसी भी पॉइंट में आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर महत्व की बात बोली जाए तो आप ये इसमें घुसेड़ दोगे, अगर आप चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो कि भैया ये समन्वय भी लेके आता है, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये दो तीन चीजें हैं ऐसी जो हर किसी में ऐड हो जाती है, जैसे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, क्या कहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक, समन्वय स्थापित करना, ये दो तीन ऐसी लाइनें हैं जो हर जगह यूज हो जाती है, ठीक। तो जैसे थर्ड पॉइंट है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। बेटा अनुकूलतम उपयोग का मतलब हो गया कि आपने वेस्टेज कम करी, ठीक है, और आपने उससे मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ गए। अब देखो क्योंकि जो सुपरवाइजर है वो ऑलरेडी वर्कर के ऊपर खड़ा हुआ है, भैया उनके देखरेख कर रहा है वो कि काम किस तरीके से कर रहे हैं, कुछ खराब तो नहीं कर रहे। तो अगर इस तरह से कोई सुपरवाइज करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो रिसोर्सेज है वो कम खराब होंगे, वो मैक्सिमम लेवल तक आप उसको यूज करके उसका ऑप्टिमम लेवल जो हम कह सकते हैं उसके आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आप उसको यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन निकाल सकते हो आप उससे, ठीक है। तो अगर आप खुद सोचो कि अगर जैसे टीचर अगर क्लास में है तो वो बच्चों से ज्यादा टाइम तक वो पढ़वा सकता है, और अगर टीचर नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि सुपरविजन कहीं ना कहीं हेल्प करता है जो संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग से। अगर कोई कर्मचारी अगर कुछ गलती करेगा तो सुपरवाइजर जो होगा वो उसको समझाएगा कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना ध्यान से नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अनुशासन। अब सुपरविजन की वजह से अनुशासन कैसे आता है तो जरा एक बार पढ़ लेते हैं बेटा इसके अंदर। सख्त पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षक के दिशा निर्देशों कर्मचारियों और श्रमिकों को उनकी क्रियाओं में अधिक अनुशासन लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब अनुशासन कैसे, देखो मेरे को बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल याद आ रहा है बेटा। अगर आप एग्जाम देने जब जाते हो और आपके मन में ये होता है कि भाई ये वाले सर आ जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो वाले सर ना आके खड़ूस वाले सर आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा खड़ूस है, जो बिल्कुल भी मतलब गर्दन इधर हिलाने नहीं देते गर्दन भी। तो ऐसे में बेटा जो डिसिप्लिन है बेटा क्लास में वो बहुत अच्छा बना होगा, राइट। लिंक कर सकते हो बातों को, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर बेटा सुपरवाइजर भी आप मान के चलो कि आपका कोई खड़ूस टीचर है और जो वर्कर है वो वर्कर नहीं वो आप हो, तो अल्टीमेटली जो डिसिप्लिन है वो बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है कि सख्त समय सारणी, सख्त जो नियम है आने के जाने के, उन सभी का पालन अच्छे से हो पाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बेटा फीडबैक का है कि प्रतिपुष्टि आपको मिल जाती है। जैसे अगर कोई भी पॉलिसीज मैंने अगर या काम करने के तरीके में या टाइमिंग में अगर मैंने चेंजेस किए और मैंने एज अ जनरल मैनेजर और मैंने अपने सुपरवाइजर को कहा कि भैया आपको ये अब अप्लाई करवाना होगा अपने टीम के अंदर 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और फिर आप मुझे रिपोर्ट करना, तो कहीं ना कहीं जब जैसे मान के चलो काम करने के घंटे अगर हमने ज्यादा कर दिए, 8 घंटे की जगह हमने 9 घंटे कर दिए, ठीक, या फिर आप कह लो कि लंच का टाइम हमने कम कर दिया, पहले हमने लंच दिया था 1 घंटे का, अब हमने कर दिया 1/2 घंटे का, तो ऐसे में 1 महीने तक वो काम चलेगा। देन उसके बाद फिर जो वर्कर है वो सुपरवाइजर को बताएंगे। कुछ वर्कर ऐसे हैं जो पहले दिन ही बोल देंगे, कुछ वर्कर ऐसे हैं जो लागू करने से पहले ही चलाना शुरू कर देंगे, भैया ये अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ना हमसे हो सकता है ना, ये वो सारी चीजें। देन इसके बाद होगा क्या कि 1 महीने बाद जब हम सुपरवाइजर से पूछेंगे तो सुपरवाइजर हमें एक तरह का फीडबैक देगा कि सर आपने जो कहा था वो हमने अप्लाई किया और एंड रिजल्ट हमें ये मिला, वर्कर खुश है या नहीं है, क्या हमें इसे कैरी ऑन करना चाहिए या कैरी ऑन करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो एक तरह का हमारा क्या हो जाता है बेटा, फीडबैक हो जाता है, प्रतिपुष्टि हो जाती है बेटा सुपरविजन से। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो पॉइंट है संप्रेषण में सुधार। चलो अच्छा हुआ वो नहीं आया, नहीं तो वो वाला पॉइंट आ जाता कोऑर्डिनेशन वाला, तो फिर मजा आ जाता, ठीक है। संप्रेषण बेटा कम्युनिकेशन में क्या है, सी
देखो कम्युनिकेशन अच्छा हम कैसे कहेंगे, बातचीत हम कैसे कहेंगे कि बातचीत अच्छी हमारी, मतलब कि मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो एज इट इज आपके पास पहुंच जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि कम्युनिकेशन अच्छा है, संप्रेषण अच्छा है। तो यहाँ पे जो वर्कर है और जो अपर लेवल पे जो पर्सन बैठे हुए हैं उनके बीच में से एक ही कड़ी है, वो कड़ी कौन है, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर के जरिए आप वर्कर तक पहुंच जाते हो और वर्कर सुपरवाइजर के जरिए अपर जो टीम है वहां तक पहुंच जाती है। अब क्योंकि मध्यस्थ सिर्फ एक है, मीडिएटर सिर्फ एक है, तो इसकी वजह से हमारा जो संप्रेषण है उसमें सुधार हो जाता है, वो बहुत अच्छा हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अभिप्रेरण में सुधार है, इम्प्रूव्स मोटिवेशन। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करें कि पर्यवेक्षक क्योंकि कर्मचारियों के साथ एक रिलेशन बिल्ड कर पाता है, इस वजह से वो उनको मोटिवेट भी बहुत अच्छा कर सकता है, राइट। अगर एक एग्जांपल लेते हैं मान के चलो, और ऐसे में ना आपका जो सुपरवाइजर है उनकी बात भी मानते हैं वर्कर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे COVID-19 चल रहा है, ठीक है, लोगों की जॉब जा रही है, अब पैसा नहीं है किसी के पास भी इतना, और ऐसे में अगर मान के चलो एक पर्सन है और वो लीडर है उसका या सुपरवाइजर के अलावा उससे, और उसकी पूरी जो टीम है जिसमें 15-20 लोग हैं, उन्होंने मन बना लिया कि भैया हमारी सैलरी या तो बढ़ा दो या तो हम जॉब छोड़ के चले जाएंगे। समझने की बात है बेटा, थोड़ा ट्राई करना समझने की कि जो वर्कर है वो क्या कह रहे हैं, या तो सैलरी बढ़ाओ या तो हम जॉब छोड़ के जा रहे हैं। और जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकले तो फिर जो सुपरवाइजर था उसने मीटिंग बुला ली बाहर, ऑफिस के बाहर, फैक्ट्री के बाहर किसी पार्क में ऐसे ही घूमते फिरते कि भाई सब बैठो और मेरी बात सुनो। सुपरवाइजर ने उसको बात समझाई कि भाई एक बात बताओ कि वैसे ही वायरस चल रहा है, जॉब है नहीं, अगर आप यहाँ से भी जॉब अगर छोड़ दोगे और क्या गारंटी है कि आगे जॉब मिलेगी, क्योंकि वायरस चल रहा है, अभी जॉब लोगों की जा रही है, एटलीस्ट कम से कम ये देखो कि हमारे मालिक ने हमें जॉब से नहीं निकाला। तो कहीं ना कहीं बेटा जो सुपरवाइजर है वो मोटिवेटर है, वो बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकता है, और वो जो लोग है, वो जो कर्मचारी है, वो उसे कनेक्ट कर पाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि उनकी बातचीत बहुत अच्छी है। अगर आपका दोस्त अगर आपको कोई बात समझाता है तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हो, लेकिन अगर बाहर का कोई पर्सन आता जाता रास्ते का, तो अगर आपको समझाएगा तो आप कहोगे कि क्या बोल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, और हो सकता है आप शायद बात भी ना सुनो उसकी अच्छे से, राइट। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है बेटा, जिसमें आपको मोटिवेट करने को सुपरवाइजर जो है उसको एक प्लस पॉइंट होता है, वो मोटिवेट कर सकता है। लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा सामूहिक एकता बनाए रखना। एक कहीं ना कहीं वही वाला पॉइंट है कि हम सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। तो पर्यवेक्षक उसके अंतर्गत काम करने वाले जो अनेक श्रमिक हैं उनके बीच में सामूहिक एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर कुछ श्रमिकों के बीच में झगड़ा हो जाता है या जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो मेल नहीं खा पाती, तो ऐसे में जो पर्यवेक्षक है फिर उसका रोल प्ले होता है और वो वहां पे हेल्प करता है उनके झगड़ों को मिटाने में और उनके बीच में समन्वय लाने में। तो जो ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि बिजनेस का मेन पॉइंट ही ये है कि यहाँ पर जो काम करते हैं लोग वो ग्रुप में काम करते हैं, ज्यादा लोग काम करते हैं, और यहीं पर ही फिर दिक्कत आ जाती है उनको मैनेज करने की। मानव संसाधन को मैनेज करना सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है बेटा। तो वो मैनेज करने का जो काम है वो है पर्यवेक्षक का, सुपरवाइजर का, ठीक। अब यहाँ पे सामूहिक एकता बनाए रखने में भी वो हेल्प कर लेता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा आपको ये सारी चीजें। एक बार बेटा रिवीजन कर लेना, एक बार पढ़ के खुद से भी, ठीक है। जब बाद में जब ये सिलेबस खत्म होगा तब टेस्ट भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, देखते हैं। तो बने रहिए बेटा इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें। टाइम जो लग रहा है बेटा सारी चीजें करने में, बट क्या करें, देखो रिसोर्सेज बहुत कम है, बोलते अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेटा अल्टीमेटली पैसे की प्रॉब्लम बेटा मुझे भी है। तो अभी मैंने नेट हटवाया हुआ था, अभी वीडियो जो बन रही है ये बन रही है बिना नेट के अभी ये, लेकिन जब सभी जब वीडियो जो अपलोड होगी तो एक साथ अपलोड हो जाएगी और बहुत सारी बल्क में अपलोड होगी ये सभी, और आपको पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो आपसे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता पेमेंट की, क्योंकि आप आए हो यहाँ पे, आपकी भी प्रॉब्लम बेटा कुछ ना कुछ, सो मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि अल्टीमेटली बेटा एट द एंड है तो हम सभी इंसान, पर चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से चैप्टर फिनिश करके और ये सारी चीजें आपको दी जाए। तो अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इन फ्यूचर हो सकता है कि शायद हम लाइव क्लास भी ले लें अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो, ठीक है। तो फिर हम लाइव क्लास ले लेंगे, 1000 सब्सक्राइबर इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैं लाइव नहीं जा पा रहा,
क्योंकि गूगल सॉरी जो यूट्यूब है उसकी एक कंडीशन है कि अगर आपको मोबाइल से, क्योंकि देखो मेरे पास वो तो नहीं है कैमरा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मोबाइल फोन से अगर लाइव जाना है तो आपको फिर 1000 सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे, तो वो नहीं है बेटा अभी 1000 सब्सक्राइबर सॉरी। तो जैसे ही वो हो जाते हैं तो फिर हम इसको आगे करेंगे, ठीक है बेटा, लाइव क्लास भी ले लेंगे। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।